नमस्ते साथियों, आज मैं सब्जेक्ट को कोड E303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस चैप्टर नंबर 2 जनरल प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब कंटेंट्स 2.4 जिसमें सुपरविजन चार्जेस, प्रॉफिट्स एंड टोटल कॉस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं सुपरविजन चार्जेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सुपरविजन चार्जेस को हिंदी में परिवीक्षण प्रभार बोलते हैं। अब ये परिवीक्षण प्रभार जो है वो क्या होता है, इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। प्राय सभी इंजीनियरिंग कार्यों के सुपरविजन के लिए सुपरविजन प्रभार लिया जाता है, मतलब किसी भी कार्य का सुपरविजन किया जाता है। तो ये सुपरविजन जो किया जाता है तो उस पर जो जितना लागत आती है, खर्चा आता है, वो आपका सुपरविजन प्रभार कहलाता है। क्योंकि सभी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्क, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, भवन निर्माण कार्य, विद्युत संस्थापन कार्य, जैसे मैकेनिकल मशीनों की असेंबली तथा उपकरणों के इंस्टॉलेशंस, इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ की देखरेख में संपन्न करने पड़ते हैं, तो इन चीज़ों का जो है सुपरविजन भी किया जाता है। तो यह प्रभार जो है इंजीनियरिंग सुपरवाइजर्स, टेक्निकल स्टाफ्स, ETC इत्यादि के वेतन के लिए, उनके अन्य दैनिक भत्ते इत्यादि में खर्चा करना पड़ता है। इसका जो प्रभार है, चार्जेज है, ये लगभग 10-15% तक लगाया जाता है। तो ये जो पार्ट है कहलाता है सुपरविजन चार्जेज। तो सुपरविजन चार्जेज जो है लगभग 10-15% तक अतिरिक्त वसूला जा सकता है। नेक्स्ट जो है, मैं प्रॉफिट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट क्या चीज़ है, शब्द से बिल्कुल क्लियर होगा। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। लाभ क्या है ये बताना चाह रहा हूँ। सभी कार्य लाभ को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। जो भी कार्य प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि इसमें से कुछ लाभ होगा, तो लाभ को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि उत्पादित सामग्री पर उचित लाभ लगाया जाए, ताकि ये सामग्री बाज़ार में उपलब्ध अन्य सामग्री के मुकाबले बिक सके। किसी भी कार्य में लगने वाले सामान की लागत, किसी भी कार्य को जैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें सामान की जो लागत होगी, उस पर आई लेबर कॉस्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रमिक लागत, तथा उसमें लगे ओवरहेड चार्जेस का योग, वस्तु विशेष या कार्य विशेष की उत्पादन लागत का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। उत्पादन लागत पर लाभ कमाया जाता है और ये लाभ जो है 20-30% तक हो सकता है। तो ये हमने आपको प्रॉफिट के बारे में बताया। अब नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हिंदी में जो अंग्रेजी में जो हम बता रहे हैं, इसका हिंदी में जो अनुवाद होता है वो है पूर्ण लागत। टोटल कॉस्ट, पूर्ण लागत। पूर्ण लागत का क्या मतलब है वो देखिए। उत्पादन लागत में लाभ का प्रतिशत जोड़कर तथा उसमें दिए जाने वाला कमीशन घटाकर प्राप्त शेष को पूर्ण लागत कहा जाता है। किसी संस्थापन या प्रोजेक्ट के आगणक में सामान की लागत, श्रमिक प्रभार पर आकस्मिक प्रभाव जोड़कर तथा सामान व श्रमिक प्रभार पर ऊपरी प्रभाव तथा अन्य चारों पर
परिवीक्षण प्रभाव लगाकर कुल लागत या पूर्ण लागत कहलाता है। एक एग्जाम्पल के तौर में मैं बताना चाह रहा हूँ कि सपोज कोई प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करने भवन निर्माण का कार्य कर रहे हैं और उसमें पूर्ण लागत का कैसे हम जो है पता किया जा सकता है, वो एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करते हुए बताना चाह रहा हूँ कि जैसे सामान का मूल्य एक छोटा सा एक चीज़ है कि जिसमें हमें वायरिंग करनी है भवन निर्माण, तो वायरिंग करनी है तो उसमें हमारी तरफ से जो कॉस्ट आई वो 1000 रुपये है, उसकी कॉस्ट माना कि 1000 रुपये। अब ये देखिए कि इसका जो श्रमिक प्रभार है, लेबर जो चार्जेज है, वो लेबर चार्जेज 2% हमने लिए हैं, तो 2% जो है सॉरी 20% लेते हैं हम इसमें लेबर चार्जेस इसमें, तो 1000 का जो 20% हो गया 200 रुपये, 10% 100 रुपये होते हैं, 20% आपके 200 रुपये हो गए, एग्जाम्पल के तौर में बताना चाह रहा हूँ। तो 1000 रुपये सामान का मूल्य हो गया और श्रमिक प्रभार जो हमने 20% लिया, तो 1000 पर जो 20% लिया है वो 200 रुपये हो गया। तीसरा जो पॉइंट है वो हम बताना चाह रहे हैं कि सामान मूल्य तथा श्रमिक प्रभार पर आकस्मिक प्रभार, मतलब इंसिडेंटल चार्जेज 1 और 2 को हमने जोड़ दिया, 1 और 2 को जोड़ा तो 1200 रुपये हो गया। अब 1200 रुपये हुआ तो इंसिडेंटल चार्जेज हम यहाँ पर 3% ले रहे हैं, तो 3% 1200 रुपये का 3% हो गया 3600 रुपये, तो 3600 रुपये यहाँ पर और जोड़ना पड़ेगा। चौथा बिंदु हम बताना चाह रहे हैं, इसमें ओवरहेड चार्जेज भी जोड़ना पड़ेगा, तो ओवरहेड चार्जेज जो है वो आपका एक जो पहला सामान का मूल्य जैसे 1000 रुपये है, दूसरा जो है श्रमिक प्रभार है वो 1200 रुपये है। अब 1200 रुपये जो आपका मूल्य आया है, जो 1200 रुपये जो मूल्य आया उसका 11% ओवरहेड चार्जेज हम मान रहे हैं, तो आप देखिए कि 11% जो है 1200 रुपये का जो 11% होगा वो आपका 132 रुपये लगभग आएगा, तो प्लस 132 रुपये और हो गया। तो इस प्रकार जो है ये कॉस्ट जो आया है, योग जो है इसका लग इसमें 1368 रुपये आ रहा है, 1000 को जोड़ दिया प्लस 200 रुपये जोड़ दिया प्लस 36 रुपये जोड़ दिया प्लस 132 रुपये जोड़ दिया, तो कुल योग जो है इसका 1368 रुपये आ रहा है। लेकिन जो ये कॉस्ट आई है उस पर हम सुपरविजन चार्जेज भी ऐड करना चाह रहे हैं, सुपरविजन चार्जेज जो जोड़ेंगे वो 1+2+3+4 सीरियल नंबर जो 1+2+3+4 इनका टोटल संयोग होगा जो 1368 रुपये आ रहे हैं, उस पर जो है परिवीक्षण प्रभार जो सुपरविजन चार्जेज हैं माना कि हम 10% ले रहे हैं, तो 1368 रुपये का जो 10% है वो होता है 136 रुपये 80 पैसे। अब हम यहाँ पर 136 रुपये 80 पैसे को 1368 रुपये में और जोड़ते हैं तो हमें जो मिलता है 1504 रुपये 80 पैसे। तो कुल मिला के हमने आपको बताया कि ये जो 1504 रुपये 80 पैसे ये आया है पूर्ण लागत, मतलब टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर सामान का मूल्य भी आ गया, लेबर कॉस्ट भी आ गया और इसका जो इंसिडेंटल चार्जेज भी आ गया और इसका ओवरहेड चार्जेज भी आ गया, साथ में सुपरविजन चार्जेज भी आ गया। तो आप देखिए हमने किस तरह से स्टेप्स आपको बताई है, वो स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप पूर्ण लागत किस तरह से बताया जाता है वो हमने आपको विस्तृत रूप से इस चैप्टर में के बारे में इस कंटेंट के बारे में क्लियर किया है। तो ये 1504 रुपये 80 पैसे जो आया है ये आपका पूर्ण लागत कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने आपको 3 चीज़ों के बारे में
क्लियर बताया है, एक आपको सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस को हम हिंदी में बोलते हैं परीक्षण प्रभार। दूसरा हमने बताया प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ। इसी तरह से हमने आपको ये बताया कि टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को बोलते हैं पूर्ण लागत। तो इन तीनों जो चीज़ों के बारे में हमने बताया वो आप क्लियर समझ चुके होंगे। ठीक है, लास्ट ही, थैंक यू।